Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, Siskana Girls Study College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important and relevant topic, that is outcome-based education, its philosophy, rationale and implementation. बहुत बात हो रही है आउटकम बेस्ड एजुकेशन OBE आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ते हैं उसमें लर्निंग आउटकम्स की बात होती है. UGC कह रहा है कि लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से पढ़ाइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति OBE की बात कर रही है. तो OBE है क्या? एक मेरा पुराना वीडियो भी OBE पर है, बट ये ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा है तो आई थिंक ये मुझे आपसे शेयर करना चाहिए. आवर प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम हैज़ बीन लार्जली गवर्न्ड बाय द प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी. बहुत बार ये बात निकल कर आती है कि जो हमारा वर्तमान शिक्षिक शैक्षिक परिदृश्य है, शैक्षिक निकाय है, शैक्षिक तंत्र है, वो प्रयोजनवादी दर्शन से प्रभावित है. कैसे प्रयोजनवादी दर्शन से प्रभावित है? क्योंकि वो आउटकम ओरिएंटेड बात करता है, वो पर्पजिवनेस फुलफिल होने की बात करता है, यानी कि जो विद्यार्थी है उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए शिक्षा का. क्या उद्देश्य है उसका शिक्षा का? कि सर्टेन एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज, एप्टीट्यूड वो सीख के निकले, है ना. इन अदर वर्ड्स, टीचिंग विल बी फ्रूटफुल ओनली व्हेन इट कल्मिनेट्स इन लर्निंग. या आप ये भी कह सकते हैं कि शिक्षण तभी लाभप्रद है, फलदायक है, जब वो अधिगम में उसकी परिणति होती है. विलियम स्पैडी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन. आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सवाल MCQ पूछे जाते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया. तो विलियम स्पैडी ने इंट्रोड्यूस किया. और कब इंट्रोड्यूस किया? 1988 में इंट्रोड्यूस किया. कहाँ इंट्रोड्यूस किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA में इंट्रोड्यूस किया. और किस लेवल पे, किस स्कूल सिस्टम को रिजुवेनेट करने के लिए? मतलब हायर एजुकेशन का ये कंसेप्ट नहीं है, स्कूल एजुकेशन का कंसेप्ट है, लेकिन इसकी इतनी उपयोगिता पाई गई कि अब ये हर सिस्टम में, हर लेवल पर यूज किया जाता है. After its adoption in America, it has been diffused in the entire world because of its suitability with the needs, complexities and unprecedented challenges of the global world. यानी कि जब ये अडॉप्ट कर लिया गया अमेरिका में, उसके बाद पूरे विश्व में इसको, इसकी सूटेबिलिटी के लिए अडॉप्ट कर लिया गया. UGC too, under its quality mandate, has resolved to revise the curriculum of the Indian higher education system based on learning outcomes, which is an endeavor towards fostering quality higher education in India. UGC ने भी अपनी क्वालिटी मैंडेट के अंतर्गत, मैंडेट का क्या मतलब, कि मानना ही मानना है आपको, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है कि चुने कि ना चुने, ये आवश्यक है कि आपको चुनना है, जरूरी है. क्वालिटी मैंडेट में पाया, बताया कि हमको इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम का करिकुलम रिवाइज कर देना चाहिए, लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से उसको बना लेना चाहिए. और ये कैसा प्रयास है? ये एक प्रयास है टुवर्ड्स फोस्टरिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन इन इंडिया. भारतवर्ष में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को फोस्टर करने के लिए ये एक प्रयास है, UGC ने ऐसा कहा. इंडिया इज अ यंग कंट्री, हैविंग 66% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 35, वी कैन टर्न दिस ह्यूज पॉपुलेशन इनटू अ ग्लोबल वर्कफोर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन टू देम. और चूंकि भारतवर्ष जो है वो एक युवा राष्ट्र है, 66% हमारी जो जनसंख्या है, 66% वो 35 वर्ष से कम है, तो हम इस बड़ी सी, इतनी विशाल जनसमूह को हम एक ग्लोबल वर्कफोर्स में तब्दील कर सकते हैं अगर हम उनको एक क्वालिटी हायर एजुकेशन दें तो. देन तो लर्निंग आउटकम को जानने से पहले सबसे पहले जानना होगा कि आउटकम क्या है. मोटा मोटा हमको ये समझ में आता है आउटकम वो है जो निकल के आ रहा है, है ना. तो आउटपुट इज दी, अच्छा पहले आउटपुट जानते हैं फिर आउटकम जानते हैं. आउटपुट, जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड आउटकम. हम लोग तो यही पढ़ते आए हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. तो आउटपुट और आउटकम में क्या अंतर है? आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस आफ्टर ए शॉर्टर ड्यूरेशन. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ए क्लास ऑफ 1 आवर, व्हाट हैज बीन द आउटपुट ऑफ दैट वेरी क्लास. यानी कि आउटपुट वो है जो एक छोटी से समयावधि के उपरांत निकलने वाला जो अचीवमेंट है वो आउटपुट है. जैसे 1 घंटे की क्लास का क्या आउटपुट निकला, है ना. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट वेरी कोर्स, टॉपिक, मॉड्यूल फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू. और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम. तो हमें लगता है कि दोनों एक ही चीजें तो हैं, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं. माने हम निकाल रहे हैं, हम सोच के चल रहे हैं कि बच्चा जब ये, विद्यार्थी जब ये कोर्स पढ़ लेगा तो वो ये चीज हासिल कर पाएगा. जबकि व्हाट ऑब्जेक्टिव शी हैज केप्ट इन हिज और हर माइंड दैट ए स्टूडेंट कैन अचीव आफ्टर गोइंग थ्रू दैट मटेरियल. ये तो हो गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. व्हाइल आउटकम्स आर लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन अगर इसी को हम विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखें तो वो लर्निंग आउटकम हो जाएगा. यानी कि शिक्षक के दृष्टिकोण से ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है पॉइंट ऑफ व्यू से, विद्यार्थी के दृष्टिकोण से यही लर्निंग आउटकम है. और आउटपुट और आउटकम में क्या अंतर है?
आउटकम जो है वो एक सिग्निफिकेंट लर्निंग एक्सपीरियंस का रिजल्टेंट है, जबकि आउटपुट जो है वो एक छोटे से ड्यूरेशन का रिजल्टेंट है। यानी एक क्लास के बाद आपने क्या सीखा ये आपका आउटपुट हो सकता है, लेकिन पूरे कोर्स, पूरे ग्रेजुएशन के बाद, पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के बाद आप क्या सीख रहे हैं, प्रोग्राम के बाद आप क्या सीख रहे हैं, वो आपका आउटकम होगा। व्हाट अ स्टूडेंट कैन परफॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब यहाँ बी ए एम ए से है, और कोर्स का मतलब एक पेपर से है। जनरली हम लोग कोर्स को बी ए एम ए मान लेते हैं, कोर्स हमारा बी ए एम ए नहीं है, हमारा प्रोग्राम बी ए एम ए, बी एस सी, एम एस सी, व्हाटएवर है ना। तो आउटकम्स क्या है, आउटकम्स आर क्लियर लर्निंग रिजल्ट्स दैट वी वांट स्टूडेंट्स टू डेमोंस्ट्रेट एट द एंड ऑफ सिग्निफिकेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यानी कि आपने उसको एक सार्थक अधिगम अनुभव जब दिया है, उसके बाद जो लर्निंग रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आउटकम है। One thing must be kept in mind that whenever there is a description of outcomes, then it must be written in observable action verbs. एक बात और हमको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम outcome का description देंगे, विवरण देंगे, तो वो कोई observable action verb होनी चाहिए। यानी कि ऐसी action verb का use हम करेंगे जिसको जो प्रेक्षणीय हो, जिसको हम प्रेक्षण कर सकें। जैसे define करने को कहिए तो आपको पता चल जाएगा कि student define कर पा रहा है कि नहीं। List सूची बनाइए, परिभाषित कीजिए, प्रयोग अनुप्रयोग कीजिए, summarize कीजिए, सारांश लिखिए। Not in unobservable or vague verbs. हम लोगों को vague verb या unobservable verb नहीं इस्तेमाल करनी। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि student समझ जाएगा। Student समझा कि नहीं समझा ये हम कैसे समझेंगे, है ना? Student महसूस करेगा, student सोचेगा, ये सब नहीं लिखना है। हमको वो लिखना है जो observable है, जिसका हम प्रेक्षण कर सकें। तो action verbs must follow the acronym SMART. ये स्मार्ट एक्रोनिम एक्शन वर्ब को फॉलो करना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टाइम फॉर टी फॉर टाइम बाउंड। यानी कि वो विशिष्ट हो, वो मापनीय हो, वो प्राप्त करने योग्य हो, वो यथार्थ के समकक्ष हो और वो समयबद्ध हो। ये नहीं कि पूरे जीवन भर का हमने लिख दिया ऐसा एक्शन वर्ब कि पूरे जीवन की मरने से पहले वो क्या सीख जाएगा, ये नहीं, समयबद्ध। सो व्हाइल राइटिंग फॉर लर्निंग आउटकम्स फॉर स्टूडेंट्स इट हैज टू पजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट। तो जब भी हम आउटकम की बात करेंगे हमको ध्यान देना होगा कि वो स्मार्ट के क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अब आते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोपाउंडर ऑफ द सिस्टम यानी विलियम स्पैडी के हिसाब से ओबीई मींस फोकसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड इंस्टीट्यूट्स एंटायर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शनल एफर्ट्स अराउंड द क्लियरली डिफाइंड आउटकम्स वी वांट ऑल स्टूडेंट्स टू डेमोंस्ट्रेट व्हेन दे लीव द इंस्टीट्यूट। ये डेफिनेशन स्पैडी ने 1994 में दी है। वो कह रहे हैं कि जो आउटकम आधारित शिक्षा है वो किस पर फोकस करती है, वो एक किसी भी इंस्टीट्यूट के पूरा जो प्रोग्राम है, पूरा जो उसका अनुदेशन के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसके इर्द गिर्द फोकस करती है, और जो हमारे क्लियरली डिफाइंड आउटकम यानी कि आउटकम पूरी मतलब स्पष्टता से परिभाषित होने चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी वो जब इंस्टीट्यूट छोड़ें तो वो उनके अंदर एबिलिटी हो, उसको डेमोंस्ट्रेट करने की उनके अंदर क्षमता हो। आउटकम बेस्ड एजुकेशन मीन्स क्लियरली फोकसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग इन एन एजुकेशनल सिस्टम अराउंड व्हाट इज एसेंशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू बी एबल टू डू सक्सेसफुली एट द एंड ऑफ देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यानी कि पर्टिकुलर प्रोग्राम, पर्टिकुलर कोर्स खत्म करने के बाद सभी विद्यार्थी उस जो एबिलिटी, स्किल, नॉलेज है उसका डेमोंस्ट्रेशन कर सकें, इसके हिसाब से फोकस होगी और ऑर्गेनाइज होगी आउटकम बेस्ड एजुकेशन। दिस मींस स्टार्टिंग विद ए क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू बी एबल टू डू। इसका मतलब जब हम शुरुआत कर रहे होंगे तो हमारी योजना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होगी, यानी कि हम पूरी तरह से योजनाबद्ध चलेंगे कि विद्यार्थी को क्या आ जाना चाहिए इस कोर्स के बाद, तब हम उसका करिकुलम बनाएंगे, उस हिसाब से हम इंस्ट्रक्शन देंगे और उसी हिसाब से हम उसका आकलन करेंगे टू मेक श्योर दिस लर्निंग अल्टीमेटली हैपेंस। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि वाकई बच्चे ने सीख लिया है। OBE इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, मतलब कि विद्यार्थी के हिसाब से ये उपागम चलता है, विच अंडरपिन्स द फिलोसफी ऑफ मास्टरी लर्निंग। देखिए कितने टर्म्स इसमें आ रहे हैं, मास्टरी लर्निंग आप अलग पढ़ते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच आपको पता है, प्रैग्मेटिक फिलोसफी आप अलग जानते हैं। मास्टरी लर्निंग की क्या फिलोसफी है, मास्टरी लर्निंग की फिलोसफी ये है कि हर बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है, बस ये डिफर कर सकता है कि वो कुछ बच्चे कम समय में वही चीज सीख जाएं, कुछ बच्चे ज्यादा समय लें, लेकिन हर बच्चा मास्टर हो सकता है। तो मास्टरी लर्निंग की फिलॉसफी के अंतर्गत ये चलता है। ईच स्टूडेंट कैन लर्न एंड बिकम सक्सेसफुल, ओनली द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर दिस पर्पस मे वेरी। केवल समय आप बदल सकता है कि किसी बच्चे ने कम समय लिया, किसी बच्चे ने अधिक, पर सभी सीख सकते हैं, ये इसके पीछे की फिलॉसफी है।
फिर प्रिंसिपल्स कौन से सिद्धांत पर आउटकम बेस्ड एजुकेशन आधारित है? सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ फोकस ऑन कल्मिनेटिंग एग्जिट आउटकम्स ऑफ सिग्निफिकेंस। हम बिल्कुल फोकस्ड होंगे, हम बिल्कुल हमारा जो लक्ष्य है वो एकदम स्पष्ट होगा कि बच्चे को क्या आना चाहिए आउटकम के रूप में। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज क्लैरिटी ऑफ फोकस। हम बिल्कुल फोकस्ड होंगे, इट मीन्स देयर मस्ट बी अ क्लियर पिक्चर, क्लियर इंटेंट एंड ए क्लियर एंड फंडामेंटल पर्पज फॉर आउटकम्स टू बी अचीव्ड, एंड दिस मस्ट बी केप्ट एज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द टीचिंग लर्निंग। यानी कि पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो टॉप प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि क्या आउटकम है जो हमको अचीव करवाना है स्टूडेंट से। फिर एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट फॉर लर्निंग सक्सेस, यानी कि जो जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम बढ़ाएंगे स्टूडेंट के लिए, तभी तो मास्टरी लर्निंग का कंसेप्ट फुलफिल होगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ OBE लाइज इन द फिलोसफी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ द लर्नर। हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की, यानी कि जो लर्नर है वो एक अलग इंडिविजुअल है, प्रत्येक एक दूसरे से अलग है, तो हमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो अलग अलग टाइम ले सकते हैं सक्सीड होने में। इट एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेज एंड द फैक्ट दैट ऑल लर्नर्स कैन नॉट लर्न एट द सेम पेस एंड इन द सेम वे। तो हमको ये मानना होगा कि उनके अंदर वैयक्तिक अंतर है और वो सभी एक ही तरीके से और एक ही गति से नहीं सीख सकते। Therefore, it provides expanded opportunities to students in terms of time spent to learn a concept, methods and modalities of instruction, operational principles, standards of performance and the access and structuring of curriculum. इसलिए हम जो अवसर हैं विद्यार्थियों को वो बढ़ाएंगे देने वाले, कि कभी टाइम आप अलग कर सकते हैं, कभी मेथड मोडालिटी इंस्ट्रक्शन ऑपरेशनल प्रिंसिपल अलग अलग करके विद्यार्थी को उसके हिसाब से पढ़ाकर सिखाकर मास्टर बनाना है। फिर हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल टू सक्सीड, क्योंकि मास्टरी लर्निंग पे ये आधारित है इसलिए इसका एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है। The third principle of OBE accepts and sets high but realistic standards for all students to succeed by raising standards of acceptable performance, eliminating success quota and increasing access to high level curriculum for all students. ये मान मतलब हमने अपना expectation realistic रखा है, यथार्थ से समकक्ष रखा है लेकिन ऊंचा रखा है सभी विद्यार्थियों के लिए OBE में। फिर design down from your ultimate culminating outcomes. The fourth and last principle of OBE is top to bottom approach. यानी top हमारा पहले सुनिश्चित है कि ये learning outcome हमको पाना है, फिर हम नीचे आएंगे कि कैसे हम उसको पाएंगे। दैट इज डिजाइन डाउन, डिजाइन अप नहीं है, डिजाइन डाउन हमको करना है। डिजाइन डाउन फ्रॉम द अल्टीमेट लर्निंग आउटकम्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आउटकम्स। ये कह रहे हैं कि तीन तरीके के आउटकम्स होते हैं, कल्मिनेटिंग, इनेबलिंग एंड डिस्क्रीट। कल्मिनेटिंग क्या है? कल्मिनेटिंग आउटकम्स आर व्हाट द सिस्टम वांट्स ऑल स्टूडेंट्स टू बी एबल टू डू व्हेन देयर ऑफिशियल लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर कंप्लीट। वो कह रहे हैं कल्मिनेटिंग आउटकम वो आउटकम है जो सभी विद्यार्थी को वो लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाए जब वो सिस्टम से बाहर निकले तो। इनेबलिंग आउटकम्स आर द की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑन विच दोज कल्मिनेटिंग आउटकम्स डिपेंड। इनेबलिंग आउटकम्स वो हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिनके ऊपर कल्मिनेटिंग आउटकम डिपेंड करता है। और डिस्क्रीट आउटकम्स आर करिकुलम डिटेल्स दैट आर नाइस टू नो बट नॉट एसेंशियल टू स्टूडेंट्स कल्मिनेटिंग आउटकम्स। और डिस्क्रीट आउटकम वो है जो जो अगर हम जानते हैं तो अच्छा है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जाने, या कल्मिनेटिंग के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। यानी कल्मिनेटिंग आउटकम वो है जिसको हर बच्चा जानेगा, इनेबलिंग वो है जिस पे कल्मिनेटिंग बेस्ड होगा, और डिस्क्रीट वो है जो जान ले तो अच्छा है बट अगर नहीं भी जाने तो चलेगा, एसेंशियल नहीं है, कल्मिनेटिंग के लिए एसेंशियल नहीं। तो इस तरह से हमको अपना आउटकम निर्धारित करना है इसके हिसाब से। अच्छा, ये एक कंपेरेटिव पार्ट है कि कैसे इंडस्ट्रियल एज या ट्रेडिशनल टाइप की टीचिंग लर्निंग थी और कैसे इंफॉर्मेशन एज या आउटकम बेस्ड की टीचिंग लर्निंग में क्या क्या फर्क आ गए हैं। अच्छा, नीचे वाला दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। एक कह रहा है कि कैलेंडर डिफाइंड है, दूसरा आउटकम डिफाइंड है। यानी कि पुरातन समय में, पुराने समय में हम कैसे चलते हैं, एकदम कैलेंडर के हिसाब से। अब हमारा सेमेस्टर खत्म हो रहा है, अब हमारा सेमेस्टर शुरू हो रहा है, अब हमको एग्जाम कराना है। तो यहाँ पे क्या है, आप इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में सोच ही नहीं रहे, आप सेल्फ पेस के बारे में सोच ही नहीं रहे, आपने बस कैलेंडर में लिख दिया है कि इस दिन एग्जाम होना है तो होना है। बल्कि ये क्या है, आउटकम डिफाइंड है। हम सेल्फ पेस देंगे, हम बच्चे के हिसाब से चलेंगे, हम उसको टाइम बदल सकते हैं, हम उसकी मोडालिटी बदल सकते हैं, ये सारी बातें। इंडस्ट्रियल एज में कंस्ट्रेंड अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अवसर कम है, सीमित है, जबकि यहाँ पे एक्सपेंडेड है, बढ़े हुए अवसर हैं। यहाँ कस्टोडियल क्रीडेंशियलिंग है, यहाँ परफॉर्मेंस क्रीडेंशियलिंग है। मतलब कस्टोडियल का मतलब बच्चे कस्टडी में है, कस्टडी में मतलब एकदम फिक्स्ड, बिल्कुल ऐसे 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 ही चलना है, बल्कि यहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से काम है। फिर इंडस्ट्रियल एज में कंटेंट सेगमेंटेशन अलग अलग है, कोई उनमें एकीकरण नहीं है, जबकि इंफॉर्मेशन एज में कंसेप्ट का इंटीग्रेशन है। इसी तरीके से करते हुए नीचे करिकुलम कवरेज है, यहाँ इंस्ट्रक्शनल कोचिंग है, यहाँ क्यूमुलेटिव अचीवमेंट है, यहाँ कल्मिनेटिंग अचीवमेंट है। क्यूमुलेटिव अचीवमेंट के माने कि सारा अचीवमेंट जोड़ के उसका एवरेज निकाल दिया, जबकि कल्मिनेटिंग अचीवमेंट का क्या मतलब है, जो उसका हाईएस्ट अचीवमेंट है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से करते करते ये हमारा एक कंपेरेटिव चार्ट ट्रेडिशनल और इंफॉर्मेशन एज की टीचिंग लर्निंग का है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन वाला इंफॉर्मेशन एज है।
ठीक है, फिर यूजीसी क्या कह रही है ओबीई पे, यूजीसी पब्लिश्ड अ डॉक्यूमेंट टाइटल्ड लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इन जनवरी 2020। देखिए कितना ये लेटेस्ट है, हम लोग को ये सब बहुत पता भी नहीं रहता। आप देखिए ढूंढिए आपको कितना कुछ मिल जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये सब भी चल रहा है हमारे आसपास, हम तो जानते नहीं। तो यूजीसी ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया एकदम रिसेंटली, जनवरी 2020 का आर्टिकल है, लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, यानी कि यूजी में हम कैसे अपना फ्रेमवर्क बदल दें करिकुलम का, उसको लर्निंग आउटकम बेस बना दें। वेयर ही रिकमेंडेड द अडॉप्शन ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन बाय डिजाइनिंग एन आउटकम बेस्ड करिकुलर फ्रेमवर्क एंड ऑल्सो रेगुलर रिविजन ऑफ करिकुलम। वो कह रहे हैं कि जो आपका करिकुलर है, करिकुलम है, आप उसको आउटकम बेस्ड बना लीजिए और वैसे भी करिकुलम का रेगुलर रिविजन करते रहिए। आप देखिए चार चार पाँच पाँच छः छः साल तक करिकुलम का रिविजन ही नहीं होता है और हम वही पुरानी चीज़ें बच्चों को पढ़ाते हैं। UGC under its quality mandate has resolved to revise the curriculum based on learning outcomes, which is an endeavor towards fostering quality higher education in India. ये बात हो गई। Improvement of the quality of higher education is considered critical for enabling effective participation of young people in knowledge production, participation in the knowledge economy, and improving national competitiveness in a globalized world for equipping young people with skills. यानी कि अगर आप क्वालिटी हायर एजुकेशन देंगे तो बच्चे का जो नॉलेज प्रोडक्शन और नॉलेज इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा और आपकी नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाएगी। नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस मतलब राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता चल रही है देशों के बीच में वो। फिर एनईपी 2020 भी कहता है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन को आप अपना लीजिए एट ऑल लेवल्स ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू कम्प्लीट द ओवरहॉलिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इवेंचुअली प्रोड्यूस क्वालिटी लर्नर्स। ऐसा अगर आप करेंगे तो पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपका एकदम बदल जाएगा और आपकी लर्निंग बढ़िया हो जाएगी और लर्नर्स भी क्वालिटी के प्रोड्यूस होंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओबीई, देखिए आप किसी भी बढ़िया जगह का कोर्स करिकुलम उठाएंगे तो आपको ये सारे उसमें हेडिंग्स दिखती हैं, पीओस, पीएसओस, सीओस। क्या है ये पीओ? जो है वो प्रोग्राम आउटकम है, यानी कि जो आपने प्रोग्राम करने चले हैं, जैसे आप बीए करने चले हैं, आप एमबीए करने चले हैं, आप एमए करने चले हैं, तो उस प्रोग्राम के कुछ आउटकम होंगे। फिर पीएसओस, उस प्रोग्राम के कुछ स्पेसिफिक आउटकम होते हैं, जो सिर्फ प्रोग्राम आउटकम, जैसे एमए का एक ही होगा, लेकिन अगर आप एमए इंग्लिश करेंगे तो उसका स्पेसिफिक आउटकम होगा, एमए एजुकेशन करेंगे तो उसका स्पेसिफिक आउटकम होगा, क्योंकि विषय के हिसाब से बदल जाएगा, तो वो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम हो जाएगा। और कुछ होगा कोर्स आउटकम। कोर्स आउटकम क्या, कि उसके अंदर जो पेपर पढ़ेंगे उनके जो आउटकम है वो कोर्स आउटकम है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म इज ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। जीए की बात बहुत हो रही है मैनेजमेंट में, जनरली यहाँ आपकी जनरल एजुकेशन में ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स की बात नहीं होती है, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल कोर्सेज में ये बात होती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एन आउटकम इज दैट शुड बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। ये हम लोगों ने कह दिया कि आउटकम जो होगा उसको हम नाप सकें, ऐसा होना चाहिए। प्रोग्राम का मतलब बीए, बीएससी, बीएड, बीटेक से है। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम का मतलब उस सर्टेन डिसिप्लिन के से है, जैसे ना बीएससी का सबका एक ही है, लेकिन बीएससी अगर फिशरीज में कर रहे हैं तो उसका अलग हो जाएगा, बीए का सबका एक ही है लेकिन बीए लैंग्वेजेस में कर रहे हैं तो वहां बदल जाएगा। देन कम्स कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आपका कोर्स आउटकम या कोर्स ऑब्जेक्टिव आता है, कितने पेपर हैं उस प्रोग्राम में, उसके हिसाब से हर पेपर का अलग बनेगा सीओ, और That must be formulated prior to the entry level of students. और बच्चा ने एंट्री लिए उसके पहले ही आप उसको बना लेंगे कि बच्चे का एंट्री लेवल का ये आउटकम होगा और हम उसको बाहर निकालेंगे, एग्जिट आउटकम क्या होगा उसका, है ना। तो दे विल बी रिटन इन मैनर लाइक आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू फॉर एग्जाम्पल एनी एक्शन परफॉर्म रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सर्टेन परफॉर्मेंस डेमोंस्ट्रेशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड। तो कैसे लिखा जाता है कोर्स आउटकम की आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, यानी कि बच्चा जब इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा तो ही और शी विल बी एबल टू। अब एक्शन वर्ब हम कौन सी लगाएंगे, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से लेंगे, और वो भी रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। मैं आपसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वहां से देख लीजिए। फिर भी एक जल्दी से क्विक रीकैप कि बेंजामिन ब्लूम वाज अ रिमार्केबल एजुकेशनिस्ट एंड इन 1956 ही प्रपोज्ड अ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन थ्री डोमेन्स। बेंजामिन ब्लूम एक बहुत रिमार्केबल एजुकेशनिस्ट थे, 1956 में उन्होंने पहली जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी उसमें उन्होंने तीन डोमेन्स में बांटा एजुकेशनल शैक्षिक उद्देश्यों को, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन में इन्होंने छह लेवल की बात की, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, यानी नॉलेज जो था वो लोएस्ट लेवल का ऑब्जेक्टिव था और इवैल्यूएशन हाईएस्ट लेवल का था। फिर बाद में इन्होंने 2001 में इसको रिवाइज कर दिया, मतलब इनके शिष्य जो क्रैथहोल थे उन्होंने रिवाइज कर दिया इसको और रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसका नाम दिया गया है, और ये आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से पढ़ लीजिए बिकॉज ये बहुत लेंदी हो रहा है।
ये है इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो है वो रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे आधारित है एंड द कोर्स आउटकम्स वर रिटन यूजिंग एक्शन वर्ब्स ऑफ दैट टैक्सोनॉमी ओनली, यानी कि एक्शन वर्ब हम सिर्फ इस टैक्सोनॉमी से लिखेंगे, जैसे डिफाइन, लिस्ट, समराइज, कंपेयर एंड क्रिएट, ये हमने बात कर ली। जो नीचे के तीन लेवल हैं जैसे रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग, उनको लॉट्स कहा जाता है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और जो ऊपर के तीन हैं उनको हॉट्स कहा जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, है ना। तो ये आप To achieve quality outcomes, teachers must rely on HOTS. तो हमको अगर quality outcome पाना है तो हमको higher order thinking skills पे emphasize करना पड़ेगा। और when the COs have been formulated, then it has to be mapped with the concerned PSOs and POs. तो जब हम CO बनाएंगे, यानी कि जब course outcome बनाएंगे, तो वो align होना चाहिए, मतलब समकक्ष होना चाहिए, संरेखित होना चाहिए, मिलना चाहिए किससे, program का जो specific outcome है उससे, और program outcome से भी, और फिर वो मिलेगा जाके मिशन विजन से, मिशन से, और फिर जाके विजन से इंस्टीट्यूट के। तो ये मैं पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी कि आप क्लासरूम में जो पढ़ा रहे हैं, हर वो बात जो आप क्लासरूम में बोल रहे हैं वो आपके इंस्टीट्यूट के मिशन और विजन से मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। सो इट इज द ब्यूटी ऑफ दिस अप्रोच दैट व्हाटएवर अ टीचर इज टीचिंग इन द क्लास और आस्किंग इन द एग्जामिनेशन मस्ट बी लिंक्ड विद द कोर्स आउटकम ऑफ दैट वेरी कोर्स एंड मस्ट बी मैप्ड विद एनी ऑफ द पीएसओस एंड द पीओस। यानी जो कुछ भी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और जो एग्जाम में पूछ रहे हैं वो आपका सीओ से मिलना चाहिए, सीओ आपका पीएसओ से मिलना चाहिए, पीएसओ आपका पीओ से मिलना चाहिए, और पीओ आपका मिशन और विजन से मिलना चाहिए इंस्टीट्यूट के। Challenges in implementation, लेकिन बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। It seems very interesting and relevant, but it is not that easy to implement. इतना आसान नहीं, इतना आसान होता तो अभी तक हम स्विच ओवर कर गए होते चैलेंजेस पे, क्योंकि हम हॉट्स पढ़ाते ही नहीं है, हम लॉट्स तक ही रह जाते हैं, हमने कहीं का कोर्स आउटकम बनाते नहीं है, हम कभी उसको पीएसओ पीओ से अलाइन करते नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट, बढ़िया इंस्टीट्यूट अब इसको फॉलो करने लगे हैं, बट ये सब लोग फॉलो करने लगे इसमें बहुत समय लगेगा अभी। और इन दिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन फास्ट चेंजिंग एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वी नीड अ हाईली टैलेंटेड इनोवेटिव एंड प्रैक्टिकल ग्लोबल फोर्स। और ये तभी हो सकता है जब हम OBE को फुलफिल कर लें। इतना ही, बिकॉज ये बहुत लेंथी हो गया, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत कुछ है, आप इसकी स्लाइड्स देखेंगे तो इसमें सी ओ पी एस ओ पी ओ की मैपिंग भी दिखाते हैं, बट वो आपके लिए थोड़ा लेंदी हो जाता। तो कंसेप्ट समझिए पहले, क्यों आउटकम बेस्ड एजुकेशन, क्या डिफरेंस है आउटपुट और आउटकम में, क्या डिफरेंस है लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम में, क्यों बनाएं, पीएसओ क्या है, पीओ क्या है, कैसे अलाइन होंगे विजन, मिशन और विजन से कैसे संरेखित हैं, ये सब कुछ। तो अब जितनी बार आउटकम बेस्ड एजुकेशन आपके सामने आएगा तो आई थिंक कि आप उसको समझ सकने में सक्षम होंगे। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।